जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी ये सेशन लिए जा रहे हैं उन बच्चों को टारगेट करके रखे जा रहे हैं, जो बच्चे एकदम इनिशियल लेवल पर एज ए कोर्स और बेसिक फाउंडेशन को लेके चल रहे हैं, टिग्नोमेट्री रेशियोज़ के सारे वीडियोस धीमे धीमे अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल में साइन रूल और कोसाइन रूल का एक लेक्चर हम लोगों ने लिया है और मान चलते हैं कि आप उसको भी देख लेंगे। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चंस कम कराए थे, आज साइन रूल और कोसाइन रूल पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस जिससे आपका कॉन्सेप्ट और एक फाउंडेशन आप बने, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो आप देखते हैं कि साइन रूल और कोसाइन रूल पे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर जो साइन रूल को समझने में आपको मदद करेगा। टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ट्राइंगल के दो एंगल यहाँ पे दिए गए हैं, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग नोट कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लिया, ए एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, और इसी तरीके से इसको बोलेंगे सी। जब भी ट्राइंगल की बात होती है तो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सभी को पता है। दो एंगल का दिए गए हैं, एक 45 दिया गया, एक 60 दिया गया। सी अगर निकालना है 180 डिग्री, तो सी जो है ये 180 डिग्री से जब इसको घटाएंगे 105 डिग्री, तो सी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो हमारे ए एंगल अगर हम मानते हैं कि ए एंगल 45 डिग्री माना गया, बी एंगल को हमने 60 डिग्री माना, और सी एंगल को 75 डिग्री मान लिया, तो आगे देखिए क्या रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर साइड्स का। उसने बोला कि सबसे छोटी साइड और सबसे बड़ी साइड का रेशियो क्या होगा। अब हम कैसे जान पाएंगे कि छोटी साइड क्या होगी और बड़ी साइड क्या होगी। तो हमने साइड रूल में पढ़ा था कि साइड, कोई भी साइड एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब है। और साइन में खासियत होती है साइन थीटा में कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा बढ़ेगा, तो ये बड़ा होगा तो साइड ही बड़ी होगी। कहने का मतलब जो एंगल बड़ा उसके अपोजिट साइड उतनी ही बड़ी होगी, ठीक है। एंगल के अपोजिट मतलब ए जो है वो ए एंगल के अपोजिट है, तो साइन बढ़ा तो ए बढ़ा, तो साइन रूल यही बोलता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, 60 डिग्री, 75, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये इसके सामने वाली सबसे छोटी होगी। तो उससे बोला स्मॉलेस्ट वर्सेस ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट हमने क्या तय कर लिया ए, और ग्रेटेस्ट कौन सा तय कर लिया सी। ये रेशियो में बताना है, सबसे पहली बात बेसिक सी बात उन्हें ध्यान दी, साइन रूल को रू यूज किया कि कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी और कौन सी साइड सबसे छोटी होगी। जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। अब हमें पता ही है कि ए रेशियो बी और रेशियो अगर सी करते हैं तो साइन रूल में पढ़ा है कि साइन ए रेशियो साइन बी और रेशियो साइन सी होगा। तो अगर हम ए रेशियो सी करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए कितना लिया गया, हम कितना लिया हम लोगों ने, साइन 45 डिग्री, और साइन सी 75 डिग्री। साइन 75 का मतलब है कॉस 15 डिग्री, और कॉस 15 का मतलब है √3 + 1/2√2, ठीक है। हम लोग रेशियो निकालने वाले हैं, ये 1/√2 आने वाला है, और ये आएगा √3 + 1/2√2। अब जब भी रेशियो को हम लोग और सिंपलीफाई करते हैं तो दोनों का एलसीएम जो होगा, तो दोनों का एलसीएम 2√2 होगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 का इसमें भी मल्टीप्लाई और 2√2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, तो रेशियो यहाँ पे जो आया वो 2 रेशियो √3 + 1 आया।
अगर हम लोग आंसर मैच कराएं तो अभी कोई भी आंसर नहीं आ रहा है हम लोग, यानी कि यहाँ पर रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। क्या है? रेशनलाइज करेंगे, टू रेशियो रूट थ्री प्लस वन, अब हम लोग रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टू रेशियो क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, ठीक है। इसको देखो आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आए, इस अभी आगे बढ़ना है, ऑप्शन देखे तो कोई मैच नहीं खा रहा है, तो हम ऑप्शन मैच कराने के लिए, आपको ये पता है कि कोई भी रेशियो है तो इधर और इधर समान संख्याओं से काट सकते हैं, तो वन रेशियो हमारा आया वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। अब इसको मैं हटाना है या ऊपर ले जाना है, तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, इतना ही मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इतना ही इधर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, रेशियो का मतलब ये है। तो रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई इधर किया, रूट थ्री माइनस वन से इधर मल्टीप्लाई किया, ये पहले से था ये कट गया, वन आ गया, ये रूट थ्री माइनस वन रेशियो क्या आ गया, वन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ए ऑप्शन मैच आ गया। साइन रूल का एक एग्जांपल हमने आपके सामने लिया बेसिक फाउंडेशन को और मजबूत करने के लिए, इससे आपको थोड़ा सा समझ और डेवलप हुई होगी। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस करें आगे, अब हम लोग कोसाइन रूल पर कोई क्वेश्चन आधारित लेते हैं, ठीक। अभी हम लोगों ने साइन रूल पे बात की, और अब कोसाइन रूल पे हम लोग एक क्वेश्चन के सहारे जैसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाएंगे आपको, आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं कराए जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि आप उनके सारे कुछ कर पाएँ, ये आपको करना ही होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए दी गई है, साइड बी दी गई, एंगल ए 60 डिग्री दिया गया है। अब उसने बोला कि सी इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, सी मतलब साइड सी, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक के किस इक्वेशन की रूट्स साइड सी होगा, ठीक है। तो हमें दो साइड्स दी गई और एक एंगल दिया गया है, और एक साइड के टर्म में लेके आना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब कॉस ए लगाएं। तो कॉस ए में क्या सीखा था हमने, ए है तो ए ए, क्योंकि ए एंगल दिया गया इसलिए कॉस ए लगाया गया। अब ये सीखा है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ठीक है, जो मैं इंफॉर्मेशन दी गई वहाँ पे रख देते हैं। तो कॉस ए एंगल दिया गया 60 डिग्री, बी स्क्वायर मतलब 9, सी स्क्वायर नहीं दिया गया, ए स्क्वायर मतलब 16 अपॉन टू बी सी, बी मतलब 3 और सी, कॉस 60 1 बाई टू होता है, इसको इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ गया। यहाँ पर 2 × 3 × c ये से कैंसिल हो गया, ये इधर आ गया 3c बराबर c स्क्वायर माइनस सेवन, तो यहाँ पे आया c स्क्वायर माइनस 3c माइनस सेवन बराबर 0। तो ये एक हमारी इक्वेशन बनी, इसका मतलब इक्वेशन जिस टर्म में है c के टर्म में है क्वाड्रेटिक, तो c क्या होगा, इसका एक रूट होगा, वो किससे मैच खा रही है, ए ऑप्शन से खा रही है। तो एक एग्जांपल था कि कोसाइन रूल को कहाँ अप्लाई करेंगे, हमने देखा इसी तरीके से आपको जहाँ साइड्स, दो साइड्स दी गई हो, एक एंगल दिया गया हो, या तीनों साइड्स दी गई हो, एंगल निकालने हो, तो वहाँ पर आप कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के थोड़े से लेवल को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे कि आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चंस को भी कर पाएँ। ये क्वेश्चन हमको लिया है, साइड्स ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो साइड्स तीन है तो इक्वेशन भी क्यूबिक होगी, और उसने बोला कि इस क्यूबिक की जो रूट्स होंगे वो साइड्स हैं, ठीक है। देन कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी, कॉस सी अपॉन सी को बताना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मतलब क्यूबिक या क्वाड्रेटिक से ट्रिग्नोमेट्री को रिलेट किया गया, तो ये क्वेश्चन एक अच्छी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, एक बार इसको ट्राई करेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन एक मानते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक क्यूबिक इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड मान ली।
ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके तीन रूट्स मान लिए, अल्फा, बीटा और गामा, इसके तीन रूट्स हैं। तो हमने बिगिनिंग में, इनिशियली जब बेसिक फाउंडेशन में ये देखा था कि ये प्लस मानते हैं, इसके माइनस मानते हैं, इसको प्लस, इसको माइनस, ऑल्टरनेट। अब सबसे पहले हम लोग सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सिंगल सिंगल रूट्स का सम देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट का नेगेटिव को हम एक्स क्यूब के कोफिशियंट से डिवाइड करेंगे, फिर डबल डबल पेयर बनाएंगे। तो डबल डबल में पेयर में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा आएंगे, तो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ने पर ये आ जाएंगे, साइन प्लस है तो सी अपॉन ए, फिर ट्रिपल लेंगे अल्फा बीटा गामा, आगे बढ़ेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। इस क्यूबिक के कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। हमारी जो क्यूबिक दी गई है वो एक्स क्यूब माइनस अलेवन एक्स स्क्वायर प्लस 38x और माइनस 40 इक्वल टू ज़ीरो। इसके साइन को तो प्लस मानेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का मतलब इसके साइन का अपोजिट। ओके, अब देखो साइड्स को रूट्स बनाया गया, ए बी और सी, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको रूट्स लिया गया, मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को जो हमने ट्रीट किया है वहाँ पे साइड्स को रूट्स लिया गया। तो इंडिविजुअल साइड्स का सम, इसका माइनस तो मतलब कितना 11 आ जाएगा, 11 बाई 1 दैट इज 11। फिर डबल डबल सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके आगे बढ़ेंगे प्लस के साथ, 38 बाई 1 38 ही रहा, फिर इसके आगे और जाएंगे तीनों का मल्टीप्लाई, उसके बाद सम तो एक ही पेयर बन पाएगा, ट्रिपलेट ए बी सी, तो यहाँ पे माइनस माइनस 40 हो गया, 40 अपॉन 1। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने निकाल ली, इस इन्फॉर्मेशन का वहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है वो हम देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इस इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो हमें आइडेंटिटी क्या दी गई है, ए अपॉन कॉस ए अपॉन ए, कॉस बी अपॉन बी और कॉस सी अपॉन सी। हम लोग कोसाइन रूल लगा देंगे यहाँ सारे, ए कॉस ए कॉस बी कॉस सी की जगह, तो कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, तो टू बी सी इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पर कॉस बी तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी इंटू बी है, और कॉस सी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी इंटू सी। अब एलसीएम हम लोग लेने वाले हैं टू ए बी सी, ये सभी से कॉमन एलसीएम आ गया टू ए बी सी, यहाँ आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हुआ, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हुआ, जो बचा उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर बच गया, यहाँ से बी स्क्वायर बचा, यहाँ से सी स्क्वायर बचा अपॉन टू ए बी सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी सी की तो वैल्यू हम लोग यूज़ कर ले जाएंगे, मगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग देखेंगे भाई। तो बेसिकली जिसका हमें आंसर निकालना था, जिस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया था, ए बी सी की वैल्यू तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है। अब कुछ हमें ऐसा करना कि इनका यूज़ हम यहाँ पर कर पाएँ। तो एक फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जब भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो एक्स्ट्रा आ गया वो, उसको हटाना होगा, तो टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी भी हम यूज कर पाएंगे और ये वाली इंफॉर्मेशन भी यूज कर पाएंगे अपॉन 2abc है। केवल हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर देते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 38 अपॉन 2 इंटू 40 कितना आया 45 अपॉन 80 आया। तो यहाँ पे 45 अपॉन 80 आया तो उसको और फर्दर डिवाइड किया तो 9 अपॉन 16 ऑप्शन यहाँ पे 16 अपॉन 9 दिया गया था। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है इसलिए कौन सा सही है डी बात ध्यान देने वाली बात है। तो देखा जाए तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करने वाले हैं। हमने पहले ही बता दिया कि आपको ऐसा कुछ दे दें कि आप उसको लगाएं विद इन सेकेंड में कोई चीज़ कर पाएं, उसको बोलते हैं ट्रिक्स। तो अभी हम लोग बिल्कुल ट्रिक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो लोग 12 बोला कि मायूस होने वाले हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ चाहिए। ये सारे जो सेशन लिए जा रहे हैं उन सेशन का एक ही उद्देश्य है जो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका कुछ छूट गया है, क्लास लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं, टॉपिक इसलिए नहीं पढ़ पा रहे कि उनका किसी न किसी एज अ कोर्स बीसी या बीएससी या ग्रेजुएशन में कहीं इन्वॉल्व है, वो पढ़ना चाहते हैं बट एक ही तरीका है बार बार बोलने के, तब कैसे पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एक टेक्स्ट बुक रखें। टेक्स्ट बुक के बारे में हमने हमारे मारुला क्लासेस के चैनल पर इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी है। उसके साथ साथ आप जब भी कोई लेक्चर देखें नहीं वॉच करें और बहुत ही पेशेंसली उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखें, उसके साथ साथ उस पर आधारित क्वेश्चंस अगर हमने यहाँ पे 3 दिए तो आपको कम से कम 15 क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पे 10-15 क्वेश्चंस लगाने हैं। और रियल में अगर आप ऐसे करते हुए पेशेंसली काम करते हैं धीमे धीमे तो एक महीने जब आप काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा एज ए कोर्स चल रहा है। जो लोग कर रहे हैं वो ज़रूर वहाँ पर फीडबैक दें। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पर लगे हुए हैं, वो दें तो उनके लिए हम और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपने लेवल पे, अपना जो हमारी कैपेसिटी है जिस लेवल पे हम जा सकते हैं उस 100% यूटिलाइजेशन की बात करेंगे जितना आप आपको दे सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो भी अगर कम्युनिकेशन है आप कम्युनिकेशन को बनाए रखें। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन पर बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल की, आप उसके लिए वेट करें और यहाँ पर सारे क्वेश्चन को लगा लें।